हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, हमारा गाना 2 दिन से देखो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है पूरे इंडिया में। सबको बहुत पसंद आ रहा है, गाना भी, सिंगर भी। हाँ, मुझे नहीं आ रहा है पसंद, ना ही गाना और ना ही सिंगर। हमारी एक्टिंग भी ना, उसने एक्टिंग किया ही क्या है भाई, ना उसने मुझे एक्टिंग दिखा ना कुछ भी कुछ भी। तो हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम ब्रो। अभी मजा आएगा ना। मैं यहाँ पे साहिल के रूम में हूँ, तो अपने रूम में जाओ। क्या बोला तूने? क्योंकि बाहर काम चल रहा है ना, अभी मैं दिखाऊँ क्या काम चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं देखना। जली ना तेरी भी जली ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम घर में बनवा रहे हैं। हम नहीं, तुम। अच्छा, तो हाँ, फिलहाल ओयो के साथ में बैठा हूँ। तो क्यों बैठे हो, उठ जाओ। थैंक यू। तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है, मैं बार बार ट्रेंडिंग सेशन खोल रहा हूँ। बार बार क्यों खोल रहे हो, समझ रहे हो? देख रहा हूँ नंबर 1 पे हमारा गाना। फिर हमारा भाई, हमारा हमारा नहीं यार, तुम्हारा गाना है वो। सही पकड़े हैं। तो हाँ, इतना अच्छा लग रहा है ना देख के, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी आपका कुछ वीडियो या फिर कोई ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे आएगा ना, तो आपको वो फीलिंग आएगी जो मुझे अभी फिलहाल आ रही है। नहीं आएगी ब्रो, नहीं आएगी, क्योंकि हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी ही नहीं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। I got broads in the line. She's the lean the fat. मैं ना इसी टाइप के गाने चूज करता हूँ जो कि लोगों को पसंद आए। अब मत पसंद करना यार, क्योंकि हम लोग को पसंद आती नहीं है। ये देखो इसका पोज किस तरह से बना के बैठा है। हाँ, बस पोज ही दिखाओ। कभी कुत्ता दिखाओ, कभी बिल्ली दिखाओ, कभी गाड़ी दिखाओ, कभी घोड़ा दिखाओ, कभी पीयूष दिखाओ, और कुछ मत दिखाना। काम की चीज तो भाई तुम दिखाना ही मत। अच्छा, हमको सिखा रही है। आपके लिए एक सरप्राइज है। स्कूल कैसे चल रहे हैं आपके स्कूल? भाई एक बात बताऊँ, स्कूल नहीं चलता है यार। बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्कूल नहीं चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका स्कूल कैसे चल रहा है? स्कूल वहाँ का वहाँ ही रहता है, बस हम लोग जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? पढ़ाई कैसी चल रही है? और पढ़ाई भी नहीं चलती है भाई साहब, पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे बाबा, आज पढ़ाई नहीं कराया। पढ़ाई नहीं कराया? नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने घर में क्या बनवा रहे हैं। अरे नहीं देखना मेरे भाई, बड़े भाई, भाई सब नहीं देखना है यार। मत दिखाओ ना, मत दिखाओ। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस, जो हमारे घर का ये वाला एरिया है ना, देखो यहाँ पे खाली करवा दिया मैंने, और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना न्यू स्टूडियो घर। इतना बोलने के बाद भी दिखा रहा हूँ यार, तुम मानते क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे काम स्टार्ट करवा दिया हमने, 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, 1 हफ्ता लगेगा, जब तक तुम मौज करो, डांस करो यार। नहीं। तो जो ये वाला एरिया ना, यहाँ से जाते देखो इस तरह से, यहाँ से तो ये वाला एरिया पूरा, तो ये वाला एरिया पूरा। हाँ भाई, हाँ, घर की एक एक गली, घर का एक एक चीज, घर में कितने पिलर लगे, कितने ईंट लगे, कितने पेंट लगे, कौन आगे पेंट किया, सब बता दो इसी वीडियो में। आगे चलो यार। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सही है, घर के अंदर हमारा स्टूडियो बन जाएगा। घर के पीछे ये वाला एरिया ना, यहाँ से पीछे खाली एरिया पड़े, मैं आपको दिखा दिया, तो वहाँ पे स्टूडियो बना रहा हूँ मैं अपना। कितना बार बताओगे यार, कुछ और बता दो ना प्लीज। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ये मेरा रूम है। अभी तो गाइस ये वाला एरिया, यहीं पे भी उसका गेमिंग पीसी पड़ा, यहीं पे मेरा सोने का, यहीं पे सारी भसड़ मची रहती है, तो ये स्पेस कम है, इसलिए ये जो बगल में ये एरिया दिख रहा है ना, ये खोल देंगे हम ये खिड़की को, और यहीं से सीधा स्टूडियो में, रूम से सीधा स्टूडियो में। अरे यार समझ गया भाई, एक बार में बस करो यार, तुम्हारे घर में नया स्टूडियो बन रहा है और उसमें 10-15 दरवाजे हैं आने के जाने के लिए, तुम कहीं से भी आ सकते हो, जा सकते हो। अभी कितना बताओगे एक ही स्टूडियो के बारे में? अरे रुको जरा, सबर करो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, नमस्ते। मुझे बुलाना, यहीं से आवाज मारना सीधा, सौरव मैं आ जाऊंगा। ना ना आंटी जी ना, सौरदा को सीधा वीडियो कॉल लगाना। से सीधा स्टूडियो में आवाज, या फिर स्टूडियो में आ भी सकते हैं, ये खुल जाता है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं, मेरे रूम से भी स्टूडियो में आ सकते हैं, 3 जगह से स्टूडियो में आ सकते हैं। समझ गया सौरदा, तुम इस घर में 10-15 दरवाजे हैं, छत से भी आ सकते हो, दीवार फाड़ के भी आ सकते हो, नीचे से भी आ सकते हो, विंडो से भी आ सकते हो। अब कितना समझाओगे सौरदा, कितना बार बोलूं भाई। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज तो घर में पूरा दिन ऐसी आवाज आती रहेगी, पूरी ड्रिल मशीन चल रही है ना। अरे यार, आज तो घर में भड़बड़ ढंडम डमडम आवाज आ जाएगी बस। जरूर आएगी भाई साहब, जरूर आएगी, क्योंकि यार घर में जब काम चल रहा है तो अगर कुछ ठोक ठाक चलेगा, मतलब ठोकम कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ठोक ठाक तो आवाज तो अवश्य लाएगी, आएगी भाई आवाज, आएगी। ओके, ये देखो ढम ढम। तो फिलहाल खाना खाते हैं, मस्त हरी सब्जी चावल। हाँ खा लो, खा लो, फिर बात करते हैं। ये भी ठीक है। और किस में जा रहे हैं? फॉर्च्यूनर में। मैं सोचा ट्रेन में। अबे साले,
और पिछवाड़ा फ्राई बन गया। मेरा भी पिछवाड़ा फ्राई बन गया। तो गाइस यहाँ से वॉशरूम। अच्छा देखो ये वॉशरूम है ना, घुसूंगा तो पीयूष यहीं से घुस जाएगा वॉशरूम में। हाँ तुम भी घुस जाओ। गटर बंद रख, मारू यहाँ से भागना है कि नहीं? तू तो घुस जाएगा, मैं भी घुस जाऊंगा। सीधा वॉशरूम में घुसना हो तो यहाँ से चल जाइए, सीधा मेरे रूम में आना हो तो यहाँ से, मम्मी पापा के रूम में यहाँ से, अगर बाहर जाना है तो यहाँ से। वाह एक दो तीन चार चीजें भाई, चार चीजें हैं। ऊपर जाना तो यहाँ। हाँ फिर इतना सारा दरवाजा क्यों बताया भाई? यहाँ से आ सकते हैं, वहाँ सकते हैं, इधर इधर उधर किधर 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 से आ सकते हो, फिर इतना दरवाजा बताया है क्यों? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो गाइस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फेवरेट पार्ट बताएं मेरे को कमेंट करके, ठीक है? हम सबका कमेंट पढ़ते हैं और लाइक और कमेंट रिप्लाई भी करते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, और पहले आ चुके हो देख चुके हो नहीं किए हो फिर भी सब्सक्राइब करना है, अगर आप कर चुके हैं तो धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे भाई। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लग लग लग।